बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत पे होंगे। दोस्तों अगर आप एज ए मुसलमान हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो के बाद अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की, जो कि एक न्यूज़ सामने आ रही है कुरान मजीद के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के टॉप बैट्समैनों में इनका शुमार होता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी भी विराट कोहली साबित हुए। 2019 में तकरीबन 5 अरब से ज्यादा पैसे कमाकर इन्होंने पूरी दुनिया क्रिकेट को हैरान भी किया है। विराट कोहली काफी ज्यादा फैंस ऑफ फ्लोमिंग रखते हैं और न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया से इनके फैंस ऑफ आल काफी ज्यादा है, अरबों में है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स और बड़ी बड़ी कंपनी विराट कोहली को एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए देकर पेशकश करती रहती हैं। दोस्तों चंद महीने पहले एक कंपनी ने विराट कोहली को करोड़ों रुपए के अर्ज और एक एडवर्टाइजमेंट की पेशकश की और वो चंद सेकंड का एड जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने कुरान मजीद और इसके अलावा एक परफ्यूम मुसलमान लड़के को ऐसे गिफ्ट देना है, तो जवाब में विराट कोहली ने नाकाबिल यकीन बयान दिया जिससे हैरान रह गए। विराट कोहली ने इस तरह जवाब दिया कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये एड नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ। कुरान मजीद मुसलमानों की पाक किताब है और मुसलमानों की ये पाक किताब कोई भी गैर मुस्लिम छू नहीं सकता और परफ्यूम में कुछ ऐसी चीजें ऐड होती हैं जो इस्लाम में जायज नहीं है, इसलिए मैं किसी भी मुसलमान का दिल मजरूह नहीं कर सकता और मैं किसी तरह का एड नहीं कर सकता जिससे किसी भी मुसलमान की दिल आजारी हो। इसके बाद ये खबर इंडियन मीडिया पर पहुंची तो बहुत से इंडियन मीडिया चैनल्स पर न्यूज एंकर्स ने ये भी कहा कि विराट कोहली दरअसल ये ऐड करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ इन्होंने ये एक बहाना बनाया है। तो कुछ ने ये कहा कि विराट कोहली किसी भी मुसलमान के दिलों के साथ इनके दिल आजारी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने इनकार किया। अब आप बेहतर बता सकते हैं कॉमेंट में, आपको क्या लगता है विराट कोहली ने इस एड का इनकार क्यों किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।